दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक मोबाइल के डिस्प्ले को दूसरे मोबाइल में कैसे देखें, यानी एक मोबाइल को दूसरे मोबाइल से कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, कोई भी बंदा वीडियो को स्किप कर न जाए। इसमें आपका फ़ायदा है ताकि आपसे कोई सेटिंग मिस हो जाए और आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंट्रोल करने में सक्षम न हो पाओ। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो बनाया है इसी के ऊपर कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रिहान और आप देख रहे हैं अनजाना टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, और सर्च के ऑप्शन में आपको डायल करना है ऐप मिरर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सर्च किया था, तो दोस्तों हमारा ये डाउनलोड भी हो गया, ओपन होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, हमें इस वाले फ़ोन पर ऐप मिरर को डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ओपन कर देते हैं। यहाँ पर ये परमिशन मांग रहा है, इसको एग्री कर देते हैं। एग्री करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अब दूसरे वाले फ़ोन में भी हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर हमने इस पे डाउनलोड कर रखा था, इसको डाउनलोड कर रखा था। अब हम इस वाले फ़ोन का भी ऐप मिरर ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ऐप मिरर ओपन करने के बाद आपको लोकल चेस्ट बीच में दिख रहा होगा, इस पर भी और इस पर भी। तो दोस्तों, हमें इस पर क्लिक कर देना है और इस वाले पर भी हमें क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, ये सेटिंग मांग रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों इसको परमिशन दे देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये मांग रहा है वाईफाई कनेक्ट, तो दोस्तों हमें वाईफाई कनेक्ट कर लेनी है। वाईफाई को ओपन कर देना है और दोबारा फिर यूज़ इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी बेसिक डिटेल भर सकते हैं, वरना इसके बगैर भी आप इसे चला सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसको बैक कर लेते हैं। इसको बैक करने के बाद इसको भी बैक कर लेते हैं। तो दोस्तों, फिर से हम लोकल स्टोर पर जाते हैं और वाईफाई को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं हमारी वाईफाई का निशान आ चुका है। तो दोस्तों, हम यहां पर इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर ये दिखा रहा है कैश, और नीचे दिखा रहा है रिवर्स कैश एंड कंट्रोल। तो दोस्तों, हमें ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अलाउ की परमिशन मांग रहा है, अलाउ कर देना है और दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा मोबाइल पूरी तरह से तैयार है दूसरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप किसी का कुछ भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप देख सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाट्सएप देखने के बाद आप यहाँ पर कैमरा चला सकते हैं। कैमरा चलाने के बाद आप यहां पर से वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने दूसरे फ़ोन को इस फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो भी कुछ आप चलाएंगे दूसरे मोबाइल पर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, हम जो कुछ भी चला रहे हैं दूसरे मोबाइल पर लीव प्रूफ चल रहा है। तो दोस्तों, हम बैक कर लेते हैं, और बैक करने के बाद आप जो कुछ भी इससे मर्जी चलाएं,
हम इसे कैमरा चला लिया है दोस्तों, ये कैमरा चल गया है दोस्तों, इस फोन पर भी और इस फोन पर भी। तो दोस्तों आप कुछ भी इससे चला सकते हैं और इसमें कुछ भी देख सकते हैं, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कुछ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं और फेसबुक आपको चलाकर दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी फेसबुक ओपन हो गई है, हम वीडियोज़ के निशान पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिना रुके और बिना हैंग हुए चल रहा है। तो दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो दोस्तों हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद हम इससे जो मर्जी चलाएं दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चलाएं। तो दोस्तों आप इससे किसी का भी गलत उपयोग ना करें। तो दोस्तों आप इससे कुछ भी चला सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस भाई ने एक फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कंट्रोल किया है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए हमें इजाज़त दे, थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों।